बनाते घर, घुमा करते इधर उधर, आकर करते खो खो खो, रोटी हमें न देते जो, छीन छपट ले जाएंगे, बैठ पेड़ पर खाएंगे। बंदर घर क्यों नहीं बनाते हैं? बंदर हमको खो खो करके डरा देते हैं। बंदरों के चित्र तो हमारी किताब में भी हैं। देखिए बहुत सारे बंदर हैं। हाँ, सब पेड़ से लटक रहे हैं। हाँ। लेकिन ये चित्र ज्यादा साफ नहीं है। हाँ। ये मेरे पास भी एक चित्र है। हाँ। चलो ये वाला चित्र देखते हैं। हाँ। ये देखो, ये चित्र है ना? और इसमें पेड़ पर क्या है? बंदर। बंदर है। हाँ। गिनो कितने बंदर है, देखना। दो, दो। और पारुल ये क्या है? तोते। कितने तोते हैं गिनना? छह। हाँ, दोनों डालों पर तो एक दो तीन, तीन। हर डाल पर तीन, तीन तीन तोते हैं। और एक और चीज पेड़ पर है, सांप। सांप है। और क्या है? चिड़िया। चिड़िया है। मोर भी है। मोर भी है। और ये क्या है? गिलहरी। गिलहरी है। अच्छा, और ये क्या है बताओ? खरगोश। खरगोश। और खरगोश कहाँ रहते हैं? जमीन पर कि पानी में? जमीन पर। जमीन पर। और ये पानी में भी तो बहुत सारे जानवर हैं। हाँ। रिया बताओ कौन से हैं? कौन से जानवर दिख रहे हैं पानी के अंदर? मछली। मछलियां हैं, बहुत सारी मछलियां हैं। कछुए भी हैं। कछुए भी हैं। और अभिजीत, ये मेंढक है। मेंढक है। और ये तालाब के किनारे क्या है? बतख। बतख। कितनी बतख है गिनना? दो। दो बतख है। और ये क्या है? फूल। फूल है। हाँ, फूल है। किसका फूल है? कमल का। और कमल का फूल कहाँ होता है? पानी के अंदर। पानी के अंदर, तालाब में। और इस चित्र का नाम मालूम क्या है? इसका नाम है तालाब गणित। क्या नाम है? तालाब गणित। अच्छा, आज हम लोग गिनती सीखेंगे। हाँ। अच्छा, अभी हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, ठीक है? अब ये देखिए, ये कौन है? लड़की। एक लड़की है। और लड़की के सामने ये क्या है? गेंद। गेंद है। तो लड़की कितनी है? कितनी लड़की है? एक लड़की है। और गेंद कितनी है? एक। एक। और देखो ये क्या है पारुल, ये बताना, ये क्या है? गाजर। गाजर। और मणि ये क्या है? खरगोश। खरगोश। खरगोश क्या खाते हैं? गाजर। अच्छा, यहाँ दो खरगोश हैं। कितने खरगोश हैं? दो। और गाजर भी दो हैं? दो। दो हैं। तो हर खरगोश को कितनी गाजर मिलेगी? एक एक, एक, एक गाजर मिलेगी। और हाँ, गिनो, एक दो तीन। तीन लड़कियाँ। और यह गिनो टॉफियाँ कितनी? तीन। अब मनी बताना, हर लड़की को कितनी टॉफी मिलेंगी? एक एक टॉफी। एक एक टॉफी मिलेगी। अगर टॉफी दो होती तो एक लड़की रोती ना? हाँ। कहती हमको टॉफी तो मिली नहीं। रोती कि नहीं रोती? हाँ, रोती। रोती। और ये देखो, ये क्या तो लट्टू है। लट्टू। अब अभिजीत बताओ कितने लट्टू हैं? एक दो तीन लट्टू हैं। और पारुल ये गिनना, ये क्या है? रस्सी। रस्सी। लट्टू रस्सी से नचाते हैं ना? हाँ। तो गिनो कितनी रस्सियां हैं? एक दो तीन। तीन। तो लट्टू भी तीन है। रस्सियां और भी तीन है। रस्सियां भी तीन है। तो दोनों बराबर है ना? हाँ। लट्टू भी तीन है और रस्सियां भी तीन है। अब रिया गिनेगी, ठीक है? रिया, ये किस चीज का चित्र है? ताले। 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 गिनो ताले कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच। अच्छा, और मनी गिनो ये क्या है? चाबियां। कितनी है गिनना जरा? एक दो तीन चार पाँच। पाँच। तो ताले और चाबियां कौन ज्यादा है? दोनों में से कौन सा ज्यादा है या बराबर है? बराबर बराबर है, बराबर है ना? अब ये एक और चित्र है ना? इसमें क्या क्या बना है? कप बने हैं। कप बने हैं। और ये कटोरियां बनी है। प्लेट बनी है। और चम्मच। अब रिया गिनेगी कितने कप हैं? एक। कप गिनो, कप। एक दो तीन। तीन। और पारुल गिनो प्लेटें कितनी हैं? एक दो तीन। और मनी आप गिनिए ये कटोरियां कितनी हैं?
एक दो तीन चार पाँच। तो कप और प्लेट में से कौन ज्यादा है? दोनों बराबर है। दोनों बराबर है ना? हाँ। तीन कप है तो कितनी प्लेटें हैं? तीन प्लेटें हैं। अब प्लेट और कटोरियों में कौन ज्यादा है? कटोरियाँ। कटोरियाँ कितनी है? पाँच। और प्लेट? तीन। अच्छा, अब हम लोग चम्मच गिनेंगे, कितनी चम्मच हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो सबसे ज्यादा क्या है? चम्मच। चम्मचे चम्मचे आठ हैं। अब देखो एक चित्र हमारे पास है, इसमें बहुत सारी चीजें बनी है। हैं? हाँ। क्या क्या बना है बताइए। टमाटर। हाँ। नल। हाँ। गोभी। गोभी। गिलहरी। फूल। हाँ, फूल भी बना है। और क्या बना है? आलू। आलू। केला। केला। गिलहरी। अच्छा, इसमें एक हम लोग खेल खेलेंगे। हाँ। ठीक है, अभी सबसे पहले कौन बनाएगा? पारुल बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जो आपको फल दिखते हैं, फल के चारों तरफ एक गोला बनाना है। गोला बनाना आता है? हाँ। है? तो लीजिए सबसे पहले फल के चारों ओर गोला बनाएंगे। और भी फल है? नहीं, ये तो फल नहीं है, एक फल और है कोई सा। हाँ, बनाइए गोला। फल के चारों ओर पारुल ने गोला बना, लेकिन ये गलत बन गया। ये क्या है? फूल है। फूल के चारों तरफ तो नहीं बनना था। ठीक है, अब रिया बनाएगी। रिया, आपको मालूम है त्रिकोण किसे कहते हैं? देखिए, एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरी लाइन, ये तीन लाइनें जब एक साथ मिलती हैं तो क्या बनता है? त्रिकोण। त्रिकोण। अब आपको त्रिकोण बनाना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्जियां दिख रही हैं, सब्जियों में आप त्रिकोण बनाएंगी। ठीक है, बनाइए। कौन कौन सी सब्जी है देखिए? हाँ बनाइए। हाँ बनाइए, तिकोना बनाइए। शाबाश, बड़ा सा। हाँ वेरी गुड। और ये लाइन पकड़िए, पकड़िए, पकड़िए। ये ऐसे सीधी लाइन कीजिए और ये ऐसी जोड़ दिया, तिकोना बन गया। और कौन सी सब्जी है देखिए? एक सब्जी और, आलू बनाइए, तिकोना बनाइए। बड़ा सा तिकोना बनाइए। तिकोना ठीक बनाया, लेकिन ये लाइन हमेशा सीधी रखते हैं, है ना? मनी एक और सब्जी है देखिए, उसमें बनाइए आप तिकोना। शाबाश। ये क्या है? ये क्या बनी? तो मूली। मूली है। तो मूली भी सब्जी हुई ना। हाँ। तो इसके भी चारों तरफ तिकोना बनाइए। शाबाश। और अब आपको मालूम है जब चार लाइनें एक साथ किसी जगह को घेरती हैं तो वो क्या कहलाता है? चौकोर। क्या कहलाता है? चौकोर। उसमें कितनी लाइनें? एक, दो, तीन, चार लाइनें होती। अब अभिजीत, आप देखिए यहाँ पे जो कोई फूल आपको दिख रहे हैं, उस फूल पर आप चौकोर बनाइए। बड़ा सा बना दीजिए चौकोर। शाबाश। अब बच्चों आपको पता चल गया ना रिया? और हम लोगों ने क्या सीखा कि कम और ज्यादा है ना? जैसे यहाँ पे ये वाला चित्र था, याद करिए। हाँ। इसमें ये चूजे कितने थे? दो, दो। और अंडे कितने थे? ज्यादा, पांच थे। हाँ। तो कम कौन सी चीज हुई? चूजे। चूजे।
और ये ज्यादा अंडे ज्यादा ज्यादा। अब बच्चों ने अच्छे से सीख लिया, अब तुमने सब कुछ सीख लिया, अब मैं गिनती सुनाऊं, ठीक है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस।